इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले से पहले पाकिस्तान टीम को मिली तीन सबसे बड़ी खुशखबरी। दूसरे टी20 मुकाबले से पहले बाबर ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले से पहले टीम पाकिस्तान को मिली है कौन सी तीन बड़ी खुशखबरी और कप्तान बाबर आजम ने कर दिया है कौन सा बड़ा ऐलान, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टी20 विश्व कप के शुरू होने में अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, जिसके बाद हमें टी20 विश्व कप की शुरुआत होते हुए नजर आएगी। हालांकि टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड की सरजमी पर है, जहां पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भिड़ने जा रही है। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच 4 टी20 मुकाबले खेले जाने हैं। हालांकि 4 टी20 मैचों की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, ऐसे में अब पाकिस्तान की निगाहें दूसरे टी20 मुकाबले को जीतने पर टिकी होगी। हालांकि दूसरे टी20 मुकाबले से पहले पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। दरअसल इंग्लैंड सीरीज से पहले बाबर आजम ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बाबर आजम का कहना है कि इंग्लैंड सीरीज में वह हमें वन डाउन पोजीशन पर खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि अब हमें पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। अगर इसके अलावा खुशखबरी के बारे में बात की जाए तो पहली बड़ी खुशखबरी के रूप में पहला टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, अब दूसरे टी20 मुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल दूसरे टी20 मुकाबले में बारिश होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले का आनंद उठा पाएंगे। अगर दूसरी बड़ी खुशखबरी के बारे में बात की जाए तो बाबर आजम की जगह फखर जमा और मोहम्मद रिजवान हमें इंग्लैंड के खिलाफ पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। फखर और रिजवान के ओपनिंग करने से पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फखर और रिजवान में अनुभव और टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। बात करें अगर तीसरी और आखिरी बड़ी खुशखबरी के बारे में तो पिछले कई सारे मैचों में नसीम शाह हमें आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे, मगर पाकिस्तान के इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में नसीम शाह 4 ओवर में 6 विकेट लेकर वापस फॉर्म में लौट आए हैं और अब पाकिस्तान की गेंदबाजी आग उगलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये थी वो तीन बड़ी खुशखबरी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।